वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोग साथ में शेयर करने वाली हूँ ये राजस्थानी ही मैरिज पार्टी मेकअप लुक। अगर आपके घर में आपके देवर की, आपके भाई की या आपकी सिस्टर की शादी है ना, तो आप इस तरीके का मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो और आप लगोगे बहुत ही प्यारे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपका, अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेती हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं इस लुक को बिना फाउंडेशन के ही क्रिएट करूंगी क्योंकि मैं यूज़ करने वाली हूँ लैक्मे की सीसी क्रीम। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं लैक्मे की सीसी क्रीम को इस तरीके से अपने आईलिड पे लगा लूँगी और इसे कर लूँगी एक स्पॉन्ज की हेल्प से ब्लेंड अच्छे से, क्योंकि सबसे पहले हम करने वाले हैं अपना आई मेकअप। तो इस तरीके से मैंने ब्लेंड कर लिया है और हाँ, मैंने आई लेंसेज लगा लिए हैं जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ही मंगाए थे। अब मैं यहाँ पर ये ले रही हूँ NYV का ब्लू कलर का काजल, बहुत ही अफोर्डेबल है, 60-70 रुपीस में purple.com से आपको मिल जाता है। तो इसे मैं अपने लिड पे इस तरीके से लगा लूँगी और फिर इसे करूँगी एक ब्रश की हेल्प से ब्लेंड। तो इस काजल को आपको तुरंत ही ब्लेंड करना है, अदरवाइज़ ये सूख जाएगा तो फिर ब्लेंड होने में बहुत ही दिक्कत करेगा। तो इसीलिए तुरंत इसको अपने आईलिड पे लगाया है मैंने और इसे तुरंत ही ब्लेंड कर लिया है। अब मैंने ये मियोन का आई शेडो पैलेट लिया है और उसमें से मैंने ये ब्लू शेड पिक करके और अपने आईलिड पे इस तरीके से जो मैंने ब्लू कलर का काजल लगाया था उसी पे लगा रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे से ये लाइट कॉपर शेड पिक किया है और इसे मैं अपने क्रीज लाइन पे इस तरीके से स्मर्ज कर रही हूँ अच्छे से, ताकि जो दोनों कलर हैं वो आपस में मिक्स हो जाएं, कोई भी हार्श लाइन ना दिखें। और अब मैं इसमें से ये कॉपर कलर का शिमरी शेड लिया है, उसे मैं फिंगर से ही लगाऊंगी अपने लिड पे, तो क्योंकि फिंगर से पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी आती है, तो इसलिए मैं फिंगर से इस तरीके से लगाऊंगी। और अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NYV का ये लिक्विड लाइनर है, काफ़ी अच्छा लाइनर है, 40-50 रुपीज़ में आपको मिल जाता है। तो मैं एक विंग लाइनर अप्लाई कर लूँगी इस तरीके से। लिक्विड लाइनर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत इजीली मैं लगा भी लेती हूँ, लेकिन मुझे जेल लाइनर और जो स्केच लाइनर होते हैं वो लगाना अच्छा नहीं लगता है। और अब मैं यहाँ पे आईलैश कलर से अपनी आईलैश को कर लूँगी कर्ल। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ NYV का प्राइमर, ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइमर है, तो इसे मैं लगा लूँगी ताकि मेरे जो पोर्स हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएं। और समर वैसे ही चल रही है तो प्राइमर ज़रूर लगाना चाहिए, इससे क्या होता है ना, पसीना नहीं आता है और आपका जो मेकअप होता है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये लैक्मे की सीसी क्रीम, बहुत ही अच्छी होती है ये सीसी क्रीम, आपको फाउंडेशन लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही लाइट वेटेड होती है और स्पेशली जो ऑयली स्किन वाले होते हैं ना, उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है ये। तो अगर आप फाउंडेशन नहीं लगाना चाहते हैं तो आप ये लैक्मे की सीसी क्रीम को इस तरीके से लगा सकते हैं डॉट डॉट करके, और उसके बाद एक स्पॉन्ज लेके उसे बैट कर लें आप और उसके बाद उससे कर लें इसको ब्लेंड अच्छे से। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका जो फेस मेकअप है ना वो बहुत ही अच्छा मतलब हो जाता है, और बस ब्लेंडिंग ही डिपेंड करती है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, मेकअप में सिर्फ ब्लेंडिंग ही मेन होती है, अगर आप ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं करते हो तो आपका मेकअप केकी हो जाता है, पैचेस आ जाते हैं तो वो गंदा लगता है। अब मैं इसी सीसी क्रीम को एज ए कंसीलर भी यूज़ करूँगी क्योंकि मैं कोई कंसीलर नहीं लगाने वाली हूँ, इसी को मैं एज ए कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। अब मैं अपने बेस मेकअप को कर लूँगी सेट जो कि मैंने लिया है मेवलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट, बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है, 500 रुपीज़ का आता है ये, लेकिन क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो इस तरीके से ब्रश की हेल्प से मैं पूरे फेस पे कॉम्पैक्ट लगा लूँगी ताकि जो मेरा बेस मेकअप है बहुत अच्छे से सेट हो जाए। और अब मैं अपने लोअर वाटर लाइन पे ये ब्लू कलर का NYV का काजल लगा रही हूँ इस तरीके से, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैंने ये मियोन का आई शेडो पैलेट है, उसमें से एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से ये मैंने ब्लू कलर का आई शेडो पिक किया है और इसे मैं अपने लोअर लैश लाइन पर लगाऊँगी इस तरीके से, अच्छे से मैं इसको लगा लूँगी। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा ये मेरा आई मेकअप हो गया है, कितना प्यारी आईज लग रही है मेरी। और अब मैंने फॉल्सेस लगा लिए हैं और फॉल्सेस लगाने के बाद ही मैं मस्कारा लगाती हूँ ताकि जो फेक लैशेज हैं और जो ओरिजिनल मेरी लैशेज हैं वो आपस में मर्ज हो जाएं, तो वो गंदा ना दिखे, वो अच्छा सा दिखे। अब मैं अपने लोअर लैशेज़ पर भी मस्कारा लगा रही हूँ इस तरीके से। अब मैं 3 से 4 कोट कर लूँगी तो मेरी जो लैशेज़ हैं वो काफ़ी हैवी दिखाई देंगी। और अब मैं इस तरीके से जो भी एक्सेस है, जो भी फॉल आउट हुआ है, उसे मैं पाउडर से डस्ट कर दूंगी इस तरीके से। अब मैं अपने फेस की कंटूरिंग कर रही हूँ, कंटूरिंग के लिए मैंने यहाँ पे ली है NYV की ये कंटूरिंग स्टिक, बहुत ही क्रीमी है, बहुत ही अफोर्डेबल है और purple.com से आपको ईजीली मिल जाएगी। और जो भी मेकअप प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ उन सब की डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेक कर लीजिएगा। और इस तरीके से अब मैं एक स्पॉन्ज की हेल्प से इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी कंटूरिंग को
तरीके से, बहुत ही लाइट कंटूरिंग कर रही हूँ मैं, बहुत डार्क कंटूरिंग नहीं कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं कर लूँगी कंटूरिंग को ब्लेंड। देखिए कितनी अच्छी है ये, बहुत ही क्रीमी है ये कंटूरिंग स्टिक, बहुत ही आराम से ये ब्लेंड हो जाती है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप चाहें तो आप अपने हैंड से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ब्यूटी स्पंज से ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे ये लिया है ब्लू हेवन का ब्लश, और इसे मैं एक ब्रश की हेल्प से इस तरीके से लगा लूँगी अपने चीक्स पे, थोड़ा सा नोज़ पे भी लगाऊँगी मैं ऐसे, तो अच्छा सा इफ़ेक्ट आता है ऐसे। अब मैं यहाँ पे ये ग्लैम 21 का हाईलाइटर पैलेट ले रही हूँ, और इसमें से मैंने ये वाइट कलर का हाईलाइटर पिक किया है। अब मैंने अपने ब्रो बोन को हाईलाइट कर लिया है, अब मैं अपने आईज़ के इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा हाईलाइटर पैलेट है, काफ़ी अफोर्डेबल है और पिगमेंटेड बहुत है, मतलब इसके सारे कलर्स है ना बहुत ही पिगमेंटेड है। देखिए कितना अच्छा हाईलाइटर है, देखिए आप खुद देखिए। अब मैं नोज़ को हाईलाइट कर रही हूँ, अपने चीक बोन को मैं हाईलाइट कर लूँगी, क्यूपिड बो को हाईलाइट कर रही हूँ, इस तरीके से चिन पे भी हाईलाइटर लगाऊंगी हल्का सा। और हाईलाइटर के बिना मेकअप में मज़ा नहीं आता यार, जब तक फेस शाइन ना करे तो वो मेकअप बेकार है। तो इस तरीके से मैं पूरे फेस पे लगा लूँगी अपने हाईलाइटर। मैं यहाँ पे स्टे क्रुकी का ये मेकअप सेटिंग स्प्रे ले रही हूँ, और इसे मैं डायरेक्ट नहीं लगाती हूँ क्योंकि इसमें से काफ़ी सारा प्रोडक्ट बाहर आ जाता है, तो इसीलिए मैं स्पॉन्ज पे ही लेती हूँ उसको, फिर उसके बाद अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे। तो इसको लगाने के बाद मेकअप काफ़ी ड्यूई लगने लगता है और आपका मेकअप बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। अब मैं यहाँ पे लिपस्टिक लगा रही हूँ, ये NYV की लिपस्टिक है, काफ़ी अच्छा कलर है ये, डार्क मरून कलर है। जो भी डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो चेक कर लीजिएगा। और दोस्तों इस लुक में मुझसे ना एक गलती होगी, मैं अभी ये बताती हूँ आपको। अब मैंने यहाँ पे पर्पल कलर की साड़ी पहनी है और ये पर्पल कलर की मैं यहाँ पे बिंदी लगा रही हूँ, तो गलती ये हो गई कि पहले मैंने हेयर स्टाइल बना ली और उसके बाद में मैंने ज्वेलरी जब पहनी तो ये अटक रही थी मेरे हेयर में, बहुत ही दिक्कत हो रही थी मुझे पहनने में, प्रॉब्लम हुई इसको पहनने में। और आप देख लीजिए, इस तरह की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। एंड दैट्स माई फाइनल फिनिश लुक गाइज, आई होप आपको ये लुक ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को कीजिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब मैं चलती हूँ, मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।